स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने झंडा वंदन करने के बाद भारत निर्माण में कांग्रेस पार्टी की भूमिका और प्रदेश कांग्रेस के संदेश का वाचन किया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ता को एक नई ऊर्जा मिली। कई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनका बलिदान हमें याद करना चाहिए। जीतू ने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष केवल स्वतंत्रता हासिल करना नहीं बल्कि समाज में समानता लाना भी है। आज हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो दलित, पिछड़े वर्ग और गरीब वर्ग को साथ लेकर चले। जीतू पटवारी ने कहा कि देश में आज ऐसी सरकार की जरूरत है जो एकता की बात करे। आज हमारे सामने दलित, गरीब, वंचित, शोषित को अधिकार दिलाने की चुनौती है। जिस तरीके की उन्नति देश में हुई उसमें कांग्रेस पार्टी का वो विचार जो सर्वधर्म संभाव का है, जो सबको साथ लेके गरीब का, वंचित का, जिसको सरकार की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उस परिवार का ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने विदेशों में और देश में सरकारों में काम रहते हुए इस देश की नींव रखी। वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके इतिहास में नाम दर्ज है उनको तो हम याद करते ही हैं, पर ऐसे भी कई परिवार के लोग हैं जिनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं है, पर उन्होंने भी अपना सब कुछ सर्वोच्च निछावर देश की आज़ादी के लिए किया, जिसमें आप और हम और भावी पीढ़ी स्वतंत्रता से सांस ले सके, उनको भी इस वक्त हम याद करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।